टायर हगर ऑफ ट्रैम्प का टायर हगर है ये। और मैं अभी आया हूँ घोड़बंदर रोड के यहाँ पर, ऑनलाइन पर भी है, मैं आया हूँ इधर इस सुजाता। तो अब हम फिट करेंगे इसमें अपना रेयर टायर हगर। ये है मोटो केयर बनाता है इसको। सो एक्चुअली थ्री पार्ट्स में आता है, पार्ट वन पार्ट टू और जो मैंने आपको रेड कलर का दिखा पार्ट थ्री है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे। और जो दूसरे ये भी आपने देखा होगा जो है, ये भी इनके पास मिलेगा। ये है पर ये अपने ट्रैम के लिए नहीं है, बाकी सब बाइक्स के लिए। ये भी अपने ट्रैम के लिए नहीं है। तो बहुत सारे एक्सेसरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो नाउ वी आर फिटिंग दिस वन टायर हगर। इनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर में मैंने पूछा तो उन्होंने सेम प्रोसेस बताया और इन्होंने भी सेम प्रोसेस ही बताया। तो मैं इसको फिट कर रहा हूँ, फिट करवाऊँगा ये यहाँ पर। तो इसको लगने के बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे लगेगा, क्योंकि ये जो इसका सॉकेट है, ये आलम, ये जो पार्ट है इसके, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये यहाँ पर अंदर लगेगा। तो इसको पूरा निकालना पड़ेगा एक्सल के साथ में। तो ये जो पूरा पीछे का टायर है, इसको पूरा एक्सल के साथ निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मेंशन ये तीन पार्ट में आता है, पार्ट वन, ये ब्लैक वाला, पार्ट टू या पार्ट थ्री। तो कुछ पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह है। ये पूरा एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है। और ये यहाँ पर पूरा ऐसा फिट होएगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह फिट होगा। इसको पूरा फिटिंग का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टॉक वाले का ये ब्रॉड दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ आएगा। ये इतना ब्रॉड है ना, ये इतना ब्रॉड है। और ये जो स्टॉक वाला है, ये भी इतना ही ब्रॉड है ऑलमोस्ट, और एकदम लाइट वेट है ये। अंडरस्टूड। तो ये यहाँ पर लग गया है, तो टायर निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। और यहाँ से ये यहाँ वाला उस साइड में लग जाएगा। ये फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है।